अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। आज का जो वीडियो है अगेन एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू के बारे में है। तो जो प्रोडक्ट और मैंने अमेजोन से बाय किया है जिसके बारे में आज मैं रिव्यू देना चाहती हूँ वो ये है, एक पेन रिलीफ गैजेट, यू कैन कॉल दिस प्रोडक्ट इज। इसका इस्तेमाल तो सबको पता ही है ऑलमोस्ट किस कौन कैसे क्या कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली दरअसल मेरी बड़ी बहन है, उनको बैक किक का प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से मैंने ये ऑर्डर किया था और उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है इसकी वजह से। बॉडी के किसी के भी हिस्से में पेन हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 से 3 घंटा पेन में आराम मिल जाता है। और ये जो मैंने वो अमेजोन से लिया, मैं इसका प्राइसिंग आगे आपको बताती हूँ। इज वेरी इजी टू यूज, नो वीडियो रिक्वायर्ड बाई एनी वेज है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है वट एवर आई बाय आई गिव यू रिव्यू। इसमें क्या होता है पता है, इसका सेम प्रोडक्ट मैंने खरीदा है तकरीबन एक दो साल मैं इसको इस्तेमाल करी, लेकिन एंड में क्या होता है कि इसका जो ये है ये सॉकेट बाहर आ जाता है तो वो खराब हो जाता है। उसका एक ड्रॉबैक यही है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा होता है। पहली बात तो उसका मुझे कलर, ये बैग बहुत पसंद है, पिंकी आई लव दिस कलर। और इसका जो कॉम्पैक्ट सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप इसे बाहर कैरी भी कर सकते हैं कहीं आप सफ़र पे जाते हैं तो। और इसको जो ये सॉकेट दिया हुआ है, ये केबल वायर, आप इसको इस्तेमाल करने का इजी सा ऑप्शन है। जस्ट यू नो लग दिस ऑन, ये आप इसमें लगा दीजिए, ये सॉकेट में लगा दीजिए, ये ऑन हो जाएगा। हार्डली 30 सेकंड से 1 मिनट में ये पूरा गर्म हो जाता है। जब ये बैग गर्म हो जाता है तो काफ़ी पफी हो जाता है, आप उस वक्त इसको निकाल दीजिए। और निकालने से पहले आप इसको पहले अच्छे से पकड़ कर फिर इसको प्लग करिएगा, अदरवाइज अगर आप ऐसे ही इसको प्लग करेंगे तो ये जो सॉकेट है ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपका यू नो एक तरह से चीज़ जल्दी ख़राब होने का चांसेस हो जाते हैं। इसमें दूसरी चीज़, एक अच्छी बात क्या है इसमें, दूसरी अच्छी बात ये लगी मुझे कि आपको पानी नहीं भरना पड़ता है। कुछ कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जिसमें गर्म पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, पर ये अंदर कुछ जेल होता है जिसमें आपको पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। पैक है, सिर्फ आप इसे गर्म करें, इस्तेमाल करें, एंड दैट्स इट। यहाँ पर कुछ फीचर्स, इस बैग के कुछ फीचर्स और प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे इसको कैसे यूज़ करना है और क्या प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ है और प्लस यू नो फटने का डर होता है और ब्लास्ट होने का डर होता है, और मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें तो उसको अच्छे से जाँच पर रख लें, पढ़ लें और किस तरीके से उसको केयरफुली यूज़ कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं, स्मॉल इजी टू कैरी टू यूज, सेकंड ऑप्शन है एलिमिनेट मसल्स फेटिग, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, हीट अप फास्ट लास्ट लॉन्ग टाइम, जल्दी गर्म हो जाता है, थोड़ा काफी देर तक गर्म रहता है, बार बार आपको 2-3 घंटा गर्म नहीं करना पड़ेगा। चार्ज फॉर 8 to 12 minutes, 2 hours, आपको 2-3 घंटे के लिए अगर आपको रखना है तो आप चार्जिंग इसकी 5 मिनट से 8 से 12 मिनट लिखा है, पर मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा टाइम लगा, 5 मिनट बहुत मैक्सिमम में ही गर्म हो जाता है, 8 से 12 मिनट नहीं लगता है। तो एज पर योर यूसेज, जैसा कि आपको लगे आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग, इसमें ये भी अच्छा है कि अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये रेड लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सबसे पहले आप इसको लगाइए और उसके बाद एंड देन स्विच ऑन द पावर, आप सबसे पहले ये लगाइए फिर ये लगाइए और फिर स्विच ऑन करिए। और यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है, ये लाइट जैसे ही चालू हो जाती है इसका मतलब आपका ये हीटिंग प्रोसेस चालू हो गया है। जैसे आपको लगता है कि आपके हिसाब का गर्म हो गया है, या आपको ऑटोमेटिकली वैसे ही तो बंद हो ही जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं बंद हुआ है, कोई मसला है, तो आप अपने हिसाब से उसको बंद भी कर सकते हैं। वार्निंग दिया हुआ है, चिल्ड्रन मस्ट नॉट ऑपरेट द चार्जिंग प्रोसेस एंड द चार्जिंग शुड बी डन अनटचेबल 2 meters अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों से तो चीजें दूर होनी ही चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें कोई और दो राय नहीं है। प्रिकॉशंस के बारे में लिखा है इन्होंने, देन बैक सर्फेस राइज अप ड्यूरिंग चार्जिंग, प्लीज कट ऑफ द पावर, जैसे ये ऊपर आ जाता है तो आप इसका चार्जिंग बंद कर दीजिए, यू नो नहीं तो टैंक सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द हॉट वाटर बैग लीक्स, प्लीज स्टॉप यूजिंग, कभी कभी इसमें अगर कहीं से कुछ लीकेज आपको दिखता है तो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है।
डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड डू नॉट बी स्क्वीज टू अवॉइड लीकेज. इसको स्क्वीज नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, कोई शार्प चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है. आप इसको धो भी सकते हैं, ये ऑप्शन भी है, लेकिन बहुत डेलीकेटली, बहुत नाजुक चीज है, इसके ध्यान से आपको ज्यादा किसी बड़े ब्रश से या बहुत सख्त ब्रश से नहीं धोना है. Do not use gasoline or the object in order to avoid damage to the product. इसको आप गैस के पास लेके जाके इस्तेमाल ना करें, प्लीज बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल करें. अदरवाइज ये बहुत अच्छा है, मैंने वैसे भी मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ काफी दिन से. इसका MRP 350 रुपीज दिया हुआ है, पर Amazon पे मुझे ये 199 रुपीज में मिला था. मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सकें. इसके साथ मैंने और एक बैग खरीदा था, वो मैंने किसी को देना था मुझे, वो 800 रुपीज का था. उसमें क्या फर्क था, सिर्फ ये दोनों चीजें सेम है, खाली दोनों वो 800 का था, ये 150 का है. दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज क्या मिली है उसमें मुझे, ऊपर से कपड़े का बैग है ताकि आप उसको यू नो, और उसमें होल्ड करने का ऑप्शन है, आप हाथ रखकर आप कहीं पे भी रख सकते हैं. मतलब ये गर्म है ना तो आपका हाथ जलने लगता है, मतलब जब ये गर्म होता है तो आपका हाथ जलने लगता है, आप इसको यू नो, इसको पकड़ के कहीं रख नहीं सकते हैं, ऐसा हो जाता है. तो वो जो 800 रुपए का था उसमें सिर्फ एक कपड़े का बैग दिया हुआ है, जिसमें आप नायलन का बहुत सॉफ्ट सा एक छोटा सा इतना बड़ा बैग है, जिसमें आप इसको उस बैग के अंदर डालिए और इस्तेमाल करिए सिर्फ उसकी वजह से. और उसका जो चार्जिंग कॉर्ड है वो ऐसा नहीं है, एक अलग से इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए. मुझे समझ में नहीं है वो 800 का क्यों है, लुक अच्छा था उसका, आई थिंक उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा दिन तक की होगी, क्वालिटी भी कुछ अच्छी होगी, लेकिन काफी महंगा लगा मुझे 800 रुपए का. तो वो मैंने मुझे किसी को देना था, इस वजह से वो मैंने दे दिया है. और अपने लिए जो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, जिस पे मुझे भरोसा होता है, उसके बाद ही मैं उस प्रोडक्ट को दोबारा यूज करती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये लिया है. आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा. आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़.